So I will be very much watching over this project. I'll be looking at this project because it must have been so beautiful. Yes. And, this is जो ढंग के नीचे आ रहा है, but this needs reading. ये फ्रेश की बना ले और इतनी क्वांटिटी हमको चाहिए इतने इतने पेज में चाहिए. भगवान मुझे दोबारा यहाँ लेके आए ये बन जाए. नमस्ते, आप कहाँ से हैं? सांबा से. सांबा से केरल से. मलयाली है. ये आपका जो है ये खादी वाला है? नहीं, ये एग्रीकल्चर वाला. पोलन का अलग पैसा, वैक्स का अलग. वैक्स कितना अच्छे से. केंद्र सरकार की योजनाएं जमीन पर खासतौर पे बॉर्डर इलाकों में कितनी अच्छे से चलाई जा रही हैं उसको मॉनिटर करना, देखना. और प्रधानमंत्री जी का आह्वान है और आदेश भी रहता है कि कोई ना कोई मंत्री बॉर्डर पे जाके चीज़ों को देखता रहे और लोगों के साथ भी बना रहे. तो आज उसी सिलसिले में मेरा दौरा जो है सांबा में हुआ और इसमें जो बॉर्डर टूरिज़्म को डिवेलप करने की बात है तो लगातार प्राचीन मंदिर, प्राचीन भारत की धरोहर इस पूरे क्षेत्र में फैली हुई हैं लेकिन बहुत जर्जर हालत में है. तो सरकार अभी यूटी की सरकार मिलकर उसको ठीक करके जीर्णोद्धार करके उन मंदिरों को दोबारा से स्थापित कर रही है ताकि लोग जो पुराना रूट इस्तेमाल करते थे वैष्णो देवी तक जाने का, उसी में सराय भी, मंदिर में खाने का, भोजन भी और वो सब चीज़ें उपलब्ध होती थी वो सब मिले. और रास्ते में जितने तीर्थ स्थल हैं वो भी लोग विजिट करें और अपने क्षेत्र, अपने भारत के जितने नागरिक हैं उन सबके साथ जोड़ जुड़ाव भी रहे और साथ में समृद्धि भी आए. जो गांव देहात बॉर्डर सीमाओं पे बैठे हुए हमारे भाई बहन हैं उनके जीवन में समृद्धि आए और उनके रोटी रोजगार का प्रबंध हो और वो तभी संभव है जब उनके लाइफस्टाइल जो हैं वो बेटर होंगे. और यहाँ आके तो मेरा खुद का मन करता है कि ये जगह बहुत सुंदर है, बहुत साफ़ सुथरी है, लोग बहुत अच्छे हैं, यहीं बसना चाहिए. और खाने पीने की भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं और जिस प्रकार से चाहे वो कमलम फल हो, चाहे मिलेट्स, बाजरा, फॉक्सटेल और बाकी सब चीज़ें जिस तरीके से उगाई जा रही हैं, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस बढ़ाई जा रही है, मशरूम्स हैं, आम का अचार है, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, उन सब के ऊपर ध्यान देकर समृद्ध